जब मैंने पहली बार आपको देखा था हेलो दिस इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग नो एक्सक्यूज। और आज हमारे साथ हल्द्वानी की एक ऐसी शख्सियत है जो जिसके पीछे हम बोले तो क्रिकेट का जो हल्द्वानी का क्रिकेट या नैनीताल का क्रिकेट होता है वो घूमता है। और पिछले 10 साल से मैं इस बच्चे को देख रहा हूँ और ये बच्चा आज इंडिया 23 टीम तक पहुँच चुका है। आर्यन वेलकम टू द शो। थैंक यू। और वेलकम हल्द्वानी में, आपका सीजन खत्म हुआ है। आर्यन कैसी रही पूरी जर्नी और ये जो मैंने बात बोली 2009 में बच्चा और अब आर्यन जुयाल अंडर 23 कितना आपने देखा और कैसी रही पूरी जर्नी? तो काफ़ी अच्छा रहा अगर स्टार्ट करें हल्द्वानी से। 2007 से 8 से शुरू हो गई थी मेरी जर्नी और हल्द्वानी में मतलब जब खेलना शुरू किया था तो बहुत ही इंजॉय करते हैं और खेलना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से ही स्टेडियम जाता था। तो काफ़ी वहाँ पे मतलब बचपन से एक वो आ गया था कि खेलना है। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम आया तो फिर एक डिसीजन लेना पड़ा कि यार बाहर निकलना पड़ेगा अगर कुछ अचीव करना है इसमें। तो मतलब उतनी सोच मेरे अंदर नहीं थी, घर फादर की और मदर की उन लोगों की सोच थी, कोचेस की सोच थी कि अगर टैलेंटेड है और अचीव करना चाहते हैं तो फिर इसको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज नहीं, हाँ जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज उतनी नहीं थी। तो फिर मैं यहाँ से देहरादून गया 2010 में। उसके बाद एसी अभिमन्यु क्रिकेट अकेडमी में मैं 3-4 साल रहा। मेरे कोच रवि नेगी सर, वहाँ पर मैं उनसे मिला तो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। वो बहुत एक क्रूशियल समय जो होता है वो 3-4 साल, क्योंकि एक यंग एज में जैसे मैंने पहले भी बात करी कि वहाँ उस यंग एज में टेक्निक को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस एज में मेरे साथ बेनिफिट ये रहा कि मेरी टेक्निक पे बहुत ज़्यादा काम हुआ जिसका फ़ायदा मुझे अब हो रहा है, क्योंकि सीनियर क्रिकेट में इतना स्पेशली अगर मैं रणजी ट्रॉफी की बात करूँ जो मैंने इस साल सीखा, तो क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर्स रहते हैं दूसरी टीम में, किसी ने 300 विकेट्स ले रखे हैं, 60-50 फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस उनको है, तो उनके सामने आपको एरर करने का ज़्यादा मौका नहीं है। और स्पेशली क्योंकि अब पिछले 2-3 साल से रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में ये चेंज आया है कि ग्रीन विकेट्स दे रहे हैं, लाइव विकेट्स दे रहे हैं और स्पेशली विंटर में हो रही है रणजी ट्रॉफी, तो उससे काफ़ी एक नया चैलेंज है। और बीइंग एन ओपनिंग बैट्समैन उसमें एक अलग चैलेंज होता है कि रेड बॉल को फेस करना है, न्यू बॉल को, वो पहला जो 1-1.5 घंटा होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। तो उसमें अगर आपकी टेक्निक अच्छी है, ये नहीं कह रहा कि जिसकी टेक्निक अच्छी नहीं है उस पर रिजल्ट नहीं है, पर अगर आपकी टेक्निक अच्छी है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो मतलब आपको एक प्लस पॉइंट है कि आपको ईजी रहेगा उस चीज़ से कोप अप करने के। जैसे आई टॉक अबाउट 2009 जब मैंने पहली बार आपको देखा था हल्द्वानी स्टेडियम में, उस वक्त भी ये आप कोइंसिडेंस कह लिए कि उस वक्त भी इंडिया जो था न्यूजीलैंड गया था 2009 में और अब 2020 और अगर दूसरा मैच देखा जाए तो आज शायद ख़त्म होता अगर इंडिया 5-3 मैच जीता था। तो जब मैंने आपको उस तरफ देखा था उसके बाद स्कूल में देखा, तो ये कब आपने डिसाइड किया या घर वालों ने डिसाइड किया कि यार पढ़ाई सेकेंडरी रहेगी, गेम पहले रहेगा? 2010 में जब मैं क्लास 6 मैंने पास आउट करी तो उस बीच एक टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ था, मुझे ध्यान है, तो उसमें काफ़ी अच्छा रहा था। तो उसके बाद सेंचुरी मारी थी इसमें, हाँ जो मेरा पहली सेंचुरी थी, तो हम लोगों ने एक रिकॉर्ड भी बनाया था कि 20 ओवर में 254 रन मेरे, मैं और शांतनु जोशी, हम लोग उस समय डगआउट में बैठे थे और यही कोशिश कर रहे थे कि आर्यन का सेंचुरी हो जाए वरना ये रोने वाला है क्योंकि इतना छोटा था। शांतनु था उस समय, शांतनु तो दोनों ने सेंचुरी बनाई थी, हाँ तो ये था कि यार इसका सेंचुरी होना भी जरूरी है वरना आर्यन रोने वाला है। तो आई थिंक वो ही एक फैमिली, उसके बाद उनको लगा कि हाँ अच्छा है और मतलब ये तो था ही, पर एक जो एक क्लियर साइन होता है, हाँ तो उसके बाद उन्हें दिखा कि यार अच्छा अगर कोई आगे इसमें जा सकता है तो इसको फिर हमको यहाँ से 5th क्लास के बाद मेरे से तो कह रहे कैजुअली पूछा था कि जाना तो पढ़ना है या खेलना है, हाँ। तो उस समय तो खेलना ही था, हाँ। उस समय ये तो नहीं सोचा था कि कंट्री के लिए खेलना है और ये सब, पर एक वो था कि इंजॉय करता हूँ गेम को और सीख मतलब कि टीवी पे जब देखते हैं अपने आइडल्स को खेलते हुए तो एक कि यार मुझे भी खेलना है, हाँ। तो एक उस वे में मैं फिर उस समय डिसीजन लिया था 2010। और पिछले 5-6 साल से बोले तो आप ये प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, 14 हो 16 हो 19 हो 23 हो, और कितना आपको लगता है कि स्तर में डिफरेंस आता रह रहा है? और अब तो आप 18 साल के हो और इस बार आपने रणजी ट्रॉफी खेला है, तो कितना मुश्किल था कि
जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं उसमें जैसे कर्नाटक के खिलाफ आपका पहला सेंचुरी था और वो सबसे मजबूत टीम मानी जाती है, तो उसका प्रेशर कैसे आपने झेला कि यार नहीं अब मेरे को मौका मिला तो मुझे खेलना तो पड़ेगा ही, यहाँ कि यार चलो इस बार अच्छा नहीं भी हुआ तो मेरे पास एज है? नहीं, ये आप कभी भी नहीं सोच सकते कि मैं अगर अच्छा नहीं हुआ तो एज है, क्योंकि एक वो एडवांटेज है, पर अगर उसको आप नेगेटिव वे में सोचो, जैसे इस वे में सोचो, तो उससे काफ़ी मतलब एक आपके ऊपर भी एक बैड इंप्रेशन आता है, आप अपने शेल में चले जाते हो कि हाँ मेरे पास टाइम है, कंफर्ट हो जाते हो आप। पर अगर इस चीज़ को एज एन एडवांटेज देखो कि यार अगर मैं अभी अच्छा करूँगा तो मुझे ज़्यादा लाइमलाइट मिलेगी, तो वो एक प्लस पॉइंट है उस चीज़ का कि हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है पॉपुलर। पर ये है कि अगर मैं बोलूँ कि जो 14 से और 19 से रणजी ट्रॉफी में जो डिफरेंस है, अगर 14 से 16 में कोई ज्यादा है तो 14 में एज अ बैट्समैन नंबर ऑफ लूज बॉल्स आपको ज्यादा मिलते हैं, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। अगर आप उसमें पेशेंट होकर खेलोगे तो आपको बहुत रन मिलेंगे, जल्दीबाजी नहीं करोगे, पर ज्यादातर ऐसा होता नहीं क्योंकि 14 16 में हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं रहा कि हम ये शॉट भी खेल दें ये शॉट भी खेल दें। फिर अंडर 16 और 19 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस ये कि 19 तक हल्की सी पावर बिल्ड हो जाती है आपके अंदर, तो उसके बाद थोड़ा सा गेम मस्कुलर हो जाता है, थोड़ा सा फिजिकलिटी आ जाती है गेम में, और एक मतलब एक ठीक है क्लोज टू रणजी ट्रॉफी साइड टाइप का एक एटमॉस्फेयर रहता है, क्योंकि आपके अंदर वो आपको दिख रहा होता है कि यार आई कैन प्ले फॉर माय स्टेट और आई कैन प्ले फॉर द कंट्री, आई कैन प्ले आईपीएल। सो उस समय फिर लोग अपने एक जो अपना 100% देते हैं अंडर 19 से, वो समझ आ जाती है कि क्या गेम है एक्चुअली क्या है। फिर रणजी ट्रॉफी में कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है, रणजी ट्रॉफी इज मतलब पूरा एक्सपीरियंस का खेल है वहाँ पे। जितनी जल्दी आप अपने आप को इवॉल्व करोगे, क्योंकि जो चीजें आप 19 में कर रहे थे वो चीजें रणजी ट्रॉफी में नहीं चलती, स्पेशली इन द इलीट ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे सामने इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, प्रोफेशनल तो है पर एक्सपीरियंस बहुत है ना, 70 इंटरनेशनल प्लेयर्स भी कुछ खेल रहे हैं जो फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं या जो करेंटली खेल रहे हैं, तो एक उनके साथ खेलना पूरा एक्सपीरियंस नया रहता है, और आपको कितनी जल्दी आप अडेप्ट करो। अगर आप यही सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही था, मैं अंडर 19 में ऐसे ही खेला, तो वो चीजें नहीं काम कर रही है यहाँ पे, तो आपको जितना जल्दी आप हम उस चीज को समझेंगे कि यार अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मुझे ये चीज अच्छी करनी है, मुझे इस चीज पे इम्प्रूव करना है, तो वो एक ज्यादा अच्छा रहेगा, उस पर बेनिफिट अच्छा रहेगा। आप लोग के लिए चाय है, चाय ब्रेक। हाँ मैं तो जो हम करियर देखते हैं आपका, तो उसमें सबसे ज़्यादा जब भी बात होती है या टर्निंग पॉइंट मैं बोलूँगा तो वीनू मांकड़ में जो 19 से पहले आपका स्कोर कार्ड रहा था, तो वो और उसके बाद 19 का कॉल आना और उसके बाद आप 19 में कैप्टन भी बने, तो वो वीनू मांकड़ का जो स्कोर था वो आपको पूरा इंडिया खेले में हेल्प किया, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करते हो आप? वो एक टर्निंग पॉइंट तो हमेशा मुझे याद रहेगा वो टाइम, क्योंकि उससे ही जो एक मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस है, जो अपने आप पे सेल्फ बिलीव होता है और कि यार हाँ मेरे पास वो चीज़ है, तो वो चीज़ वहीं से आती है, क्योंकि अगर आप लोकल टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करते रहोगे तो उसका एक्चुअल बेनिफिट नहीं है, उसका सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस में बेनिफिट है, पर जब आप स्टेट एसोसिएशन में या एक नेशनल टूर्नामेंट में आप हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हो, तो उसके बाद एक आपको अलग एक मतलब अपने स्टेट में विद इन योर सेल्फ आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, आपकी टीम को आप पे कॉन्फिडेंस आता है कि यार नहीं अगर ये खेलेगा तो ये मैच फिनिश करके आएगा, तो वो एक बहुत जरूरी। उसके बाद आप लोग अंडर 19 खेले, आप लोग जीते। हाँ, और उसमें कई प्लेयर्स ऐसे थे जो अभी अब इंडिया खेल रहे हैं और सारे पॉपुलर हैं, आप लोग सारे के सारे पॉपुलर हैं, और सबसे खास बात ये थी कि आप लोग यंग थे और आपको कोच राहुल सर मिले थे, तो वो राहुल सर के साथ बिताया हुआ जो भी टाइम है उसको आप कैसे देखते हो कि हाँ मेरे क्रिकेट करियर में ये बहुत अहम है? मतलब राहुल सर के साथ जो वो 2-2.5 महीने का टाइम मिला, तो उससे बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि आई थिंक अगर शायद अगर वो हमारे कोच ना होते तो हम लोगों का जो एटीट्यूड है वो हो सकता था थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि हमसे कैरी डबे हो सकते, हाँ हम लोग कैरी डबे हो सकते थे टूर्नामेंट के बीच में हम लोग, पर उन्होंने कभी भी मतलब उन्होंने कभी ये चीज़ खुद से नहीं बोली, पर अगर हम उनको देखते ही थे ना तो हमें लगता था इतने बड़े प्लेयर हैं, अगर वो ऐसे तो हम लोग ऑटोमेटिकली वो चीज़ हम सीखे। इंटरव्यू हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि बच्चों का सिर्फ मेरा काम है बच्चों का ध्यान रखना बस बस, तो उनका मेन अगर वो हमारे लिए खुद एग्जाम्पल ऐसा सेट कर देते थे तो हम लोग की हिम्मत नहीं थी कि हम मतलब हिम्मत क्या, हम लोग सब 19 साल के थे, सब में समझ थी, तो सब लोग ये देख रहे थे कि यार सर ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं, तो हम लोग कभी कैरिड अवे नहीं हुए कि यार ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग नहीं रहे पूरे टूर्नामेंट में, जडेजा हैं
मनीष पांडे हैं, विराट हैं, वैसे अब आप लोगों का सिनेरियो बन रहा है, पृथ्वी और शुभमन काफी अच्छा कर रहे हैं, तो एक वो ही है कि मतलब राहुल सरकार से हमें काफी बेनिफिट रहा सारी बाकी टीमों से, क्योंकि उनको राहुल सर जैसे कोच नहीं मिले, तो मतलब एक इतने बड़े प्लेयर के साथ इतना टाइम शेयर करना और वो छोटी छोटी जो इनपुट्स वो देते थे ड्यूरिंग नेट सेशन ड्यूरिंग मैचेस, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द गेम सब 19-20 ही हैं सब लोग, पर एक वो छोटी सी चीज जो आपके लिए वर्क कर जाए ना, तो वो एक बहुत ज्यादा बेनिफिट। अरे रणजी खेलने से पहले मतलब डोमेस्टिक खेलने से पहले आप इंडिया 19 खेल चुके थे, 23 भी इंडिया आपने खेला था, तो जब अभी तो आप स्टेट के लिए खेल रहे हैं, बढ़िया है, और जब आप गए थे तो तब यहाँ एसोसिएशन भी नहीं था, अब फिर अब आया है जी, तो अपने कंट्री के लिए खेलना और वो नीली जर्सी जिसका सपना हो वो सारे ने देखा होगा जब वो पहली बार स्टेडियम गया था, तो वो नीली जर्सी आपको मिली और आप कैप्टन भी रहे 19 में, तो वो वाला एक्सपीरियंस पूरा अलग, उसको कैसे कहते हैं कि एक वो जब हम लोग पहली बार मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के गेम जो मेरा डेब्यू गेम था वर्ल्ड कप का पहला बॉल, मतलब वो पहला ऑफिशियल पहला गेम था मेरा, मैं वार्म गेम्स खेला था, पर एक जो वो एक्साइटमेंट था वर्ल्ड कप का, तो उसमें जब मैं ग्राउंड पे मैं उतरा, हम लोग सब उतरे एक एक करके, वो नेशनल एंथम बोले, तो लिटरली उस समय मेरे को गूज़बम्प्स थे और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है आसपास, अच्छा कि आसपास क्या चल क्या रहा है मेरे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था लिटरली, और उसके बाद फिर जब वो हमारा नेशनल एंथम शुरू हुआ तो थोड़ा सा कहीं पे वो एक इमोशनल टच आ गया था वहाँ पे, बहुत एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए जो कभी मैं कभी भी नहीं भूल सकता, उसके बाद मैं अभी भी कभी नेशनल एंथम के लिए खड़ा होता हूँ तो मुझे वही मोमेंट है कि आप लोग तो ग्राउंड में वही खेल रहे हैं, तो एक वो बहुत ज्यादा इमोशनल और उससे एक अटैचमेंट है, और ब्लू जर्सी पहनना तो सबका सपना होता है, तो जब मैंने पहली बार मुझे वो मिली तो एक काफी बहुत प्राउड मोमेंट था, थोड़ा मैं इमोशनल भी था, मैंने सीधा घर पे फोन वोन किया ऐसे से, तो एक बहुत इमोशनल और हर प्लेयर के लिए काफी टचिंग मोमेंट होता है। अरे ना उसके बाद आप कैप्टन बने श्रीलंका का, आपने टीम को भी लीड किया, तो वो वाला एक्सपीरियंस और उस एक्सपीरियंस को आप क्या बैटिंग एक्सपीरियंस में काउंट करते हो कि मतलब हेल्प करता है? बिल्कुल, बैटिंग एक्सपीरियंस में वो टेक्निकली काम नहीं करेगा, पर वो एक मेंटल जो प्रेशर होता है ना उसको डील करने में कई बार आपको चाहिए होता है कि हाँ, कई बार मैं ये सोचता हूँ आई हैव बीन इन दिस सिचुएशन बिफोर, मैं इस सिचुएशन में पहले भी आ चुका हूँ और इस टफ सिचुएशन में आ चुका हूँ, मैंने उससे मेंटली अच्छा डील किया तो आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन। ये तो उसके बाद आप अब इस बार आपने जैसे रणजी का डेब्यू किया, अरे एक सेंचुरी था आपका और 350 था, 250 तो मुझे लगा था कि आप 100 में कन्वर्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मैं भी अपनी इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो रहा, क्योंकि और अच्छा वो हो सकता था, तभी मैंने सेटिस्फाइड तभी मैंने बोला नहीं अच्छा रहा नहीं होगा, एक एक क्योंकि आप यंग थे 18 ईयर्स, और मैं सुन रहा था मैच पूरे लगभग सारे ही मैच मैंने आप लोग के देखे, तो टेक्निक की तो सभी तारीफ कर रहे थे, लेकिन जो दो मैच एक शायद 52 और 54 वाला जो लास्ट मैच था, वहाँ हम लोगों को लगा कि यार मिस हो गया 100। बिल्कुल, क्योंकि आप जम चुके थे मतलब। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज एन ओपनर आपको हर दिन सेट होने का मौका नहीं मिलेगा, तो जब भी आपको सेट हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पेशेंटली उसको लंबी इनिंग में कन्वर्ट करूँ, पर अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, पर मेरे को क्या था वो टारगेट तो लंबा था 50 मारने का, ये मैं हूँ, क्योंकि वो मोमेंट ही ऐसा था ना, हम लोग 5 विकेट डाउन थे, पूरा दिन सेव करना था, तो एक ड्रेसिंग रूम को काम करने के लिए और अपने आप को एक कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि हाँ मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे रहूंगा तो वो एक वही जेस्चर था वो लास्ट मैच में, बट वरना आप काम रहते हो ज्यादा, आप एक्सप्रेस नहीं करते। हाँ, बैटिंग के टाइम में काम ही रहता हूँ और वही मतलब एक जो नेचुरल स्टेट होती है मेरी वही स्टेट है, कुछ लोग एग्रेसिव रहते हैं कुछ लोग काम रहते हैं, बट काम इन द सेंस मेंटली रहना जरूरी है, और ऐसे टाइम पे अगर आप अपने गेम से डिफेंसिव हो जाओगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। हमारे आप लोग इतना क्रिकेट खेलते हो दिन भर, पूरे साल भर ही क्रिकेट है, तो कामनेस के लिए और क्या मस्ती रहती है टीम में, और 2-3 बार तो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि आप विकेट कीपिंग कर रहे थे और वो एक वायरल हुआ था, शिवा सिंह ने 360 डिग्री बॉल डाली थी, पर वो उसने वो आउट करने के लिए डाली थी, वो उसने ऐसा फनी उसके लिए डाली क्योंकि कुछ काम नहीं कर रहा था उसको, विकेट नहीं मिल रहे थे, तो एक हमने अलग चीज उसने एक अलग चीज ट्राई करी, और वो काफी पहले आपसे बात हुई थी क्या बीच में ऐसा कर सकता हूं? नहीं 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 नहीं, क्योंकि आप लोग साथ ही पहले भी खेलते थे। हाँ हम लोग तो अंडर 14 से हम लोग साथ में खेले, वर्ल्ड कप भी हम लोग साथ में खेले, तो एक मतलब काफी फिर फनी वो उसके बाद बन गई थी क्योंकि उसमें इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, काफी चीजें हो गई। तो अभी जैसे यूपी की टीम में आप सबसे छोटे हो, मतलब सबसे छोटे ही हो और ओपनिंग भी जाते हो, तो जब बड़ा स्कोर होता है आर्यन, तो जैसे मान लीजिए जैसे लास्ट मैच ही था, आप 50 के आसपास 50 से पहले पहले खेल रहे थे और दूसरे दिन
आपको दोबारा बैटिंग करने आना, तो उस वो वाली रात कैसे बिताई, मतलब वो कितना उसको स्टेबल रखना पड़ता है यार कि कल मुझे खेलना है और ऊपर से मैच जिताना है, मैच जिताना भी नहीं है तो मतलब आपको एक मैच फिनिश करना है टीम के लिए, मैच के लिए स्टैंडर्ड रखना है। ऐसे टाइम पे प्रेशर डबल हो जाता है। अच्छा, आप ऑलरेडी सेट हो और नेक्स्ट डे बिल्कुल नया, नेक्स्ट डे में कुछ भी वैसा, चार विकेट गिर गए थे, वो तो चार विकेट एक साथ दो ओवर के अंदर गिर गए थे, तो उसमें एक यही रहता है कि यार नेक्स्ट डे तो नया है, मुझे जाके फिर से वहाँ टाइम देना है, एक घंटा स्पेंड करना है, टीम को एक अच्छी पोजीशन में लाना है। और ऐसे दिन पे आप यही फोकस करते हो जो आपका प्लान होता है कि जो बॉलर उनकी टीम का अच्छा कर रहा है तो उस समय पे उस चीज से टैकल करना जरूरी है। तो हम लोगों का प्लान यही था, सिंपल था कि यार हम लोग जाएंगे सुबह और अच्छा एक कोशिश करेंगे कि हम लोग अपनी टीम को एक अच्छी सिचुएशन में लाएं। अरे जब अभी फैमिली मैच देखती है तो फैमिली से भी कोई टिप्स मिलते हैं या डांट पड़ती है कि यार क्या खेल के आउट हो गए, अभी तो आप छोटे ही हो? ऐसा तो नहीं है क्योंकि अब वो लोग भी समझ गए हैं, इतना उन्होंने मेरे साथ उतार चढ़ाव देखे हैं काफी, आई थिंक 5-6 इयर्स के प्रोफेशनल करियर में काफी रोलर कोस्टर राइड रही है मेरे साथ, तो अभी पिछले 2-3 साल से तो इट्स बीन स्टेबल, बट शुरुआत में ऐसा नहीं था। तो एक उन लोगों को भी समझ है कि यार ठीक है, वो भी वहाँ पे खराब करने नहीं जा रहा है, कोई भी प्लेयर वहाँ पे खराब करने नहीं जा रहा, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये वो लोग समझाते हैं, जो भी सिखाते हैं, कि अपनी गलती से सीखना है और कोशिश करना है कि वो फिर से ना हो। पर एक बार जब मैं, हम लोग अंडर 16 कैंप था हमारा बैंगलोर में, तो MS धोनी वहाँ पे आए थे, तो उनकी एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, उन्होंने बोला था कि यार गलती तो हर प्लेयर करता है और वही गलती बार बार भी करता है, पर बहुत अच्छे बैट्समैन में यही फर्क है कि वो उस गलती को एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद करता है। अगर आप सिमिलर गलती एक बार कर रहे हो, दो बार कर रहे हो, तीसरी बार भी कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है, पर अगर आप उस गलती को एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद कर रहे हो तो इट्स नेचुरल, क्योंकि वो होगा ही होगा। क्योंकि यार अगर मैं फ्लिक मारते हुए आउट हो रहा हूँ तो बॉलर फ्लिक की बॉल डालेगा ही डालेगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं बॉलर को रोक सकता हूँ, वो भी अपना काम, हाँ वो भी अपना काम करना है, ही इज ऑल्सो इक्वली टैलेंटेड एंड इक्वली आर्यन अपने आप को जब भी देखते हैं तो आप वहां तक पहुंचे, आर्यन आपके जैसे बहुत लोग करियर स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा शो जो है नो एक्सक्यूज इसीलिए है कि आप लोगों ने कभी बहाने नहीं बनाए, आपके पास मतलब आप चाहते तो पढ़ाई कर लेते, आप कहते नहीं उससे नहीं हो रहा, और कॉम्पिटेटिव क्रिकेट में भाग नहीं लेते, बल्कि थोड़ी बहुत अपनी शौक के लिए खेलते, लेकिन आपने नहीं किया। जो आपको सुन रहे हैं बच्चे और आप एकेडमी में जाते हो, तो उनको क्या बताते हो अगर वो इस बारे में बात करते कि भैया कैसे आगे बढ़ें क्या करें, क्योंकि हल्द्वानी तो अब हमारे शहर को, अब स्टेट को आप एफिलिएशन मिला है, आप 2011-12 से खेल रहे हो, तो आप उनको कैसे बोलते हो कि अगर कभी कभी टाइम आपके साथ नहीं होता तो आपको उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा या अपनी एबिलिटी के अनुसार चलना पड़ता है? आई थिंक एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर या कोई भी स्पोर्ट या एज एन लाइफ, तो लाइफ इज लाइक अ रोड, हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें हर गियर पे गाड़ी चलानी पड़ती है, कभी हम फर्स्ट गियर पे चलाते हैं, फिर सेकंड पे आते हैं, फिर हम थर्ड पे आते हैं, फिफ्थ पे जाते हैं, फिर एकदम से ब्रेक लगाना पड़ता है, रुकना पड़ता है, स्पीड ब्रेकर आता है, सब कुछ होता है, ट्रैफिक के लिए रुकना पड़ता है। तो सिमिलरली ये गेम और ये लाइफ ऐसी है कि आपके हिसाब से ही चलने वाली नहीं है, तो आपको इसके हिसाब से अडेप्ट करना, मेहनत करनी है, जो आपके हाथ में है। दो टाइप की चीजें, एक आपके हाथ में, एक आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में आपकी परफॉर्मेंस है, आपके हाथ में आपकी मेहनत है। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए, और मतलब पहले कहते थे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अब ये हो गया पर्पसफुल परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो ये 3 P's हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, पर क्या वो सही है, क्या वो जरूरी है, क्या वो हमारे लिए सही है जो हम कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको अपने कम्फर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, जो ये एक्सक्यूज वाली बात है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव करना है, अगर आपका गोल है कुछ, तो आपको चीज़ें फिर अलग करनी पड़ेंगी। आप सोचो कि वही ऑर्डिनरी चीज़ करके मैं वो करूँगा जो मुझे, जो मेरा ड्रीम है, तो वो फिर 100 या रेयर केस होता है वो, कि आपको सब नॉर्मल करते करते आपको वो चीज़ मिल जाती है। तो वही मेरा कहना है कि आप जो भी ये लोग देख रहे हैं, जो भी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और पर्पसफुल प्रैक्टिस करिए। अरे अब हमारा जो नो एक्सक्यूज है उसको आप थोड़ा प्रमोट करिए, या लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बताएं। बिल्कुल, नो एक्सक्यूज पे आप लोग बिल्कुल देखिए, और पंकज बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी साल से मैं जानता हूँ, हम लोग एक अच्छे दोस्त भी हैं, तो
नो एक्सक्यूज के थ्रू से मैं आपको कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, मेहनत कीजिए और जो भी आपका गोल है वो अचीव कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। चीयर्स।